संदूक का निशान क्यों लगा? गोलियां खत्म हो गई थी बंदूक में। घर से पकड़े लीक्स हो गए हैं क्या? वैसे तुम्हारे ऊपर ये हेयर स्टाइल बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा। आप या बकरों की तफ्तीश करने आए या फैशन करने? तुम बकरों का ख्याल रखो, तुम हो के इस लड़की के पहलू में बैठे हुए हो। डैड शादी के बाद भी तो यही करना है ना। तेरे को नजर नहीं आ रहा? ये देख नीचे से हम पठान, सीने से माजेर और सर से सिंधी। भाई साथ चल रहा है बिल्कुल। निकाल बंदूक, निकाल, तेरा सबर छूटा जा रहा है। अरे ये क्या? एक गोली में दो शिकार। हरा तोता हमारा निशान है, हरियाली हमारी पहचान है। हरा तोता हमारा निशान है, हरियाली हमारी पहचान है। हरा तोता हमारा निशान है। खान के बच्चे, बंदूक की जगह संदूक का निशान क्यों लगाया? सारी गोलियां खत्म हो गई थी बंदूक में, मैंने सोचा बस संदूक का निशान लगवा ले। पागल हो गया क्या? सही, बड़ा ऑपरेशन करवाया अभी। रे शुरू हो गई है, सब तैयार हो जाए। मेरी लड़की, रे शुरू हो गई है, हटो कुर्सी से। नहीं उठूंगी मैं। क्यों? क्योंकि मेरा नाम उज्मा है और इस कुर्सी पर मेरा नाम लिखा है। लड़की लड़की लड़की, उठ जाओ कुर्सी से, क्योंकि सियासतदान कुर्सी का मजाक बर्दाश्त नहीं करते। उठ जाओ। नहीं उठूंगी मैं, नहीं हटूंगी, नहीं हटूंगी, नहीं 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 हटूंगी मैं। शुक्र है ये ख्वाब था। हाँ, गिरते पड़ते रहे ना नींद में। अगर मैं जिंदा होती ना तो तुम्हें लात मार के गिराती। तुम तो खामोश हो जाओ, मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ोगी। साथ साथ दरिया खान, साथ दरिया खान, साथ 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 दरिया खान। अभी नहीं। सही लगता है आज फिर आपने कोई डरावना ख्वाब देख लिया है। साथ कहाँ है छोटे साहब? साहिब वो अर्जु बीबी के साथ रात भर बकरों के साथ सेल्फिया बनाता रहे। क्या साजिद की बेटी मेरे बकरों के साथ सेल्फिया कैसे बना रही थी? साथ का आज आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सही सही, ये तो कुछ भी नहीं है। आरजू बीबी ने तो रात को बकरों को खाना भी खिलाया, फोटो खींचे मैंने। नहीं 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 नहीं, इसकी ये बताओ, ये बताओ कि इसकी गोलियां कहाँ हैं? साई गोलियों की नहीं है, ठगों की है। दरिया खान, तुम्हें पता है फेक पीडिया के मुताबिक 99.89% लड़के लड़कियों को लाइन तो कराते हैं पर कोई स्टेप नहीं लेते, और तुम तो वैसे ही अपने हिटलर पापा से इतना डरते हो। एक्सक्यूज मी, अगर मेरे पापा हिटलर है ना तो तुम्हारे पापा जोसेफ स्टालिन से कोई कम नहीं है। साथ, साथ, मैं तुम्हें डैड, क्या हुआ? मैंने तुमसे कहा था कि तुम बकरों का ख्याल रखो, तुम हो के इस लड़की के पहलू में बैठे हुए हो। डैड शादी के बाद भी तो यही करना है ना। खामोश, शिकारी के बेटे को ऐसी बातें जेब नहीं देती। जानते हो जंगल में कदम रखते ही शेर अपनी पिछाड़ में वापिस चला जाता है। सही बिल्कुल ठीक कहता है। अरे चूहे अपने बिल में चले जाते हैं और कबूतर अपने घोंसलों में चले जाते हैं और मुर्गियां अपने दड़बों में चली जाती हैं। हाँ, फिर लाइट चली जाने से टीवी बंद हो जाता होगा या नींद से जाग जाते होगे। तुम दिल करता है कि इस बंदूक की सारी गोलियां तुम्हारे सीने में उतार दूं। पहले अपनी इस बंदूक पे ग्रीस तो लगा लो,
फिर गोलियां चलाने का शौक भी पूरा कर लेना। क्या बच्चों को उल्टे सीधे किस्से सुना रहे हो? मैं तुम्हारी तरह रिश्वतखोर और झूठा सरकारी अफसर नहीं हूँ। और जहाँ तक इस बंदूक का सवाल है तो ये बगैर गोलियों के भी उतनी ही दहशत फैलाती है जितनी 60 की दिहाई में। अरे चल, रहने भी दे। सुनाओ इन बच्चों को तेरी बहादुरी और दहशत के किस्से। बताऊं किस तरह चूहा तेरे पजामे में घुस गया था और तेरी जान निकल गई थी। ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारी अय्याशी के सारे बाप खोल दूंगा। अरे हाँ, महमूदा के भाइयों ने कैसी होटल में तुम्हारी दुर्गत लगाई थी। ठहर ठहर, अभी बताता हूँ तुझको। अरे नहीं नहीं, छोड़ो यार, आपका तो रोज का फड्डा है, प्लीज खत्म करें। रुक जाऊँ, किसी का खाता हूँ क्या? अभी नीचे आके इसको बताता हूँ। हाँ हाँ, आ नीचे। हाँ, नकली बाल लगा के मोहम्मद अली बनता रहता है। हम ये जानना चाहते हैं कि अब्बू और ताया अब्बू आपस में इतना लड़ते क्यों हैं? आप तो पुराने हैं ना, आप तो सब जानते होंगे। अब मैं सुनाने वाला हूँ वो वाकया साईं। एक दिन दोनों का मूड हो गया है शिकार पे जाने का, तीतर के शिकार पे। रोजी रात का वाकया, डरना नहीं तुम लोगों ने। ऐसा ही डरना नहीं है, मेरे को भी डर नहीं लगता है, कभी कभी लग भी जाता है। शिकार पे गए, रात का खूब अंधेरा और बाल जानवरों की आवाजें, जैसे बिल्ली, उधर से कुत्ते है। साईं अमजद साईं ने साजिद साईं के तीतरों को उठाया और जाके दरख्त के नीचे उल्टा बांध दिया तीतरों को जमा करने के लिए। इतने में सारे तीतर जमा हो गए। अमजद साईं ने बंदूक को उठाया और यूं करके निशाना लिया ऐसे, फिर तुम्हारे अब्बा को रिश्वत के तौर पे मिला, वो मर गए। उस दिन का दिन है, आज तक दोनों में मोहब्बत ही नहीं है, नफरत हो गई है, नफरत। यानी 250 रुपए के तीतर के लिए इतनी मेहनत? 250 रुपए का तीतर है, फिर 300 रुपए का तो होता होगा। किलफ्तर पे लगे हुए बड़े झूले, चुप हो जा। तीतर 300 रुपए का होता है, ऐसे ही 300 का होता है। 60, 61, 62, 63, 64 नहीं 64। इतनी रिश्वत लेते ही क्यों हो, जब गिनती सीधी तरह करनी नहीं आती तो? भाई मैं ज्यादा रिश्वत इसलिए लेता हूँ ताकि रिश्वत का खात्मा हो। तुमने सुना नहीं कि जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो मिट जाता है? वाह भाई, सारे माशरे को सुधारने का ठेका तुमने अपने कांधों पे जो ले रखा है। खैर, साद और आरजू की शादी की तारीख कब रखती है? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। मैं अपनी बेटी की शादी उस निकम्मे नाकारा से हरगिज नहीं करूंगा। क्यों भाई, हमारी मरहूम जेठानी उन दोनों की शादी तय करके मरी थी। अल्लाह बेचारी को जन्नत नसीब करे। बस बस बस, मैंने जो कह दिया वो कह दिया, इससे आगे मैं एक लफ्ज नहीं सुनना चाहता। और सुनो, ये चाय तुम अकेले अकेले सूढ़ रही हो, रोटी हो रही हो, भारी हो रही हो, ये नहीं कि एक प्याली मेरे लिए ले आती। बस नियत लगाते रहना तुम बैठ के। तुम इतने लाड ले रही हो कि तुम्हारे लिए चाय बनाते फिरूं, जाके खुद बना और पी लो। नियत लगाते रहते हैं मेरी चीजों पे भी। आरजू, तुम्हें पता है तुम मेरी आरजू हो, लेकिन यार एक बात समझ नहीं आती, तुम मेरी डैड की आरजू कब बनोगी? मुझे क्या पता, बस बातें करवा लो तुमसे। और ये बकरे कहाँ चले गए? बकरे डैड है ना, उनको हमसे ज्यादा ना बकरों की फिक्र है। कह रहे थे कि बारिश होने वाली है, अंदर ले आके बांध दो। सो बांध दिए, फिक्र मत करो, ठीक है अंदर। आरजू को जिद बना लो फिर देखो। एक्सक्यूज मी, मुझे कोई जरूरत नहीं है आरजू को जिद बनाने की, समझी? वैसे आजकल तुम दोनों कुछ ज्यादा नहीं चिपक रहे हो? घर में तो ठीक है लेकिन बाहर भी? ओ क्या हो गया, तुमने ऐसा क्या देख लिया भाई? माना कि मोहब्बत अंधी होती है लेकिन महल्ले वाले नहीं, एहतियात करो। मेरे ख्याल से तो तुम्हें अपने जहन की सफाई करवाने की जरूरत है। वैसे मैडम एक बात बताओ, आजकल तुम कर क्या रही हो? ये सैलेड खा के तुम्हारा दिल नहीं भरता? जी नहीं, मेरे बिजी रहने का शेड्यूल मुझे वैसे ही थका देता है, लेकिन तुम्हारी परेशानी का मेरे पास एक प्लान है। प्लान? प्लान, अब वो भी तुम्हारे पास? हाँ, हाय 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 हाय, बस यही ख्वाहिश है। किससे बातें कर रहे? वो, अरे वो मैं बीमार की अयादत कर रहा था। अच्छा,
बकरे की तरह दांत निकाल के कौन इबादत करता है बीमार की? तुम खामोखा शक करती हो। और तुम्हें याद है तुमने मेरे साथ क्या किया था? अरे चिड़िया को मारने के चक्कर में बुढ़िया को मार दिया था और बदले में उन्होंने मुझे मार दिया। अब यही तो मैं चाहता था। क्या हुआ? मेरे को 2 दिन का छुट्टी चाहिए। क्यों? साई मेरे अबा के हलक में ना लंगड़े आम की लंगड़ी का गुठली अटक के गई है। अल्लाह सलामत रखे, लेकिन ये गुठली कैसे अटकी? साई मेरे अबा को आम खाने का बहुत शौक है, वो बस उनके हाथ में आम आ जाए ना तो फिर वो जंग छिड़ जाती है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, अब तुम फौरन जाओ और हाँ पैसों की जरूरत हो तो बता देना। साई पैसों की जरूरत किसको नहीं है। अच्छा एक सेकंड। सारे एक सेकंड सबर करो। नहीं ये अब ऐसे करो, ये रखो संभाल और फौरन जाओ वरना मैयत निकल जाएगी। जाओ साई इसको देख के तो मेरी भी मैयत निकल जाएगी। इंकलाब लाने के लिए इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? एक काम करो, रात को सोने से पहले अस्पताल के 2 चमचे दूध में मिलाकर पी लो, सुबह देखो इंकलाब ही इंकलाब हो। सुबह सुबह तैयार होके तो ऐसे जा रहे हैं जैसे रोजी हलाल करेंगे। तुम्हारी तरह हरामखोर नहीं हूँ कि घर बैठे तामीराती फंड्स के नाम पर पैसे बटोर रहे हो। मैं सियासतदान हूँ, इस मुल्क में इंकलाब लेके आऊंगा इंकलाब। इंकलाब लाने के लिए इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? एक काम करो, रात को सोने से पहले अस्पताल के 2 चमचे दूध में मिलाकर पी लो, सुबह देखो इंकलाब ही इंकलाब होगा। और सुनो, ये बाहर से बैनर हटवाओ, तुम हार गए हो, अपनी शिकस्त कबूल करो। मैं अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं करूंगा, मैं ये हलका दोबारा खुलवाऊंगा। हलके ऐरे गैरे नतू खैरों के कहने पे नहीं खुलते, तुम्हारे तो मचलके भी जब्त हो गए हैं। उस वक्त से डरो जब तुम्हारा नाम पनामा लिस्ट में आ जाए। जब नाम आएगा देखी जाएगी, पनामा हो या पजामा हो। दैट, दैट, आप लोग पनामा लीक्स को छोड़े डायरेक्ट घर से बकरे लीक्स हो गए हैं क्या? बकरे भी लाए तो बीमार लाए, मोशन लग गए। मेरे बकरे बिल्कुल सेहतमंद हैं। हुआ क्या? डायरेक्ट घर से बकरे चोरी हो गए हैं क्या? मेरे 2.5 लाख के बकरे? जी डैड, अब जल्दी चले। हद हो गई, पता नहीं क्या हो गया, कहां गए बकरे और किसने चोरी किए बकरे? डैड मुझे क्या पता, मैंने तो पूरी आंखें यही रखी हुई थी। इसीलिए कहता था कि बकरों पे नजर रखो, तुम्हारी नजर तो। खबरदार खबरदार जो मेरी बेटी का नाम तुम दोनों की जबान पर आया, समझे? तुम्हारी बेटी भी बराबर की शरीके बकरों की चोरी में मेरे बेटे के साथ। अरे अरे अरे, ऐसे कैसे मेरी बेटी को घसीट रहे हो? निकम्मा और निटल्ला तो तुम्हारा ये बेटा है। मेरी बेटी तो हर वक्त पढ़ती रहती है। हाँ, और पता नहीं क्या पढ़ पढ़ के मेरे बेटे के दिमाग में घोल के पिला दिया है। ताया अबू, वो मैंने ना एक किताब में पढ़ा था कि अगर कोई चीज खो जाए ना तो उसे ढूंढने में अपना वक्त बर्बाद ना करें, जाके दूसरी खरीद लें। जैसे आमाल होंगे वैसा ही अमल होगा। सुनो, मेरी एक एक पाए हलाल की है, खुद ने तो कुर्बानी का जानवर खरीदा नहीं और दूसरों पे तनकीद कर रहे। बाबा, क्या हम ताया अबू की मदद नहीं कर सकते बकरे ढूंढने में? अरे क्यों करें हम इनकी मदद, हमारा क्या वास्ता इन लोगों से? नहीं चाहिए हमें मदद, हम खुद ढूंढ लेंगे बकरे। नहीं नहीं ताया अबू, आप बुरा मत मानिए, हम सब मिलकर ढूंढेंगे, देखिएगा बकरे मिल जाएंगे। चलो अब लाइक चलो।
वैसे नाजिश, तुम्हारा बकरे चोरी करने का जो प्लान था ना, वो बहुत आला था। तुम्हें पता है अब्बू ने बकरे ढूंढने का कहा है? वैसे एक तहकीक के मुताबिक जो लोग दिखने में ज्यादा खूबसूरत नहीं होते ना, उनका दिमाग बहुत तेज चलता है। वैसे तुमने बकरे छुपाए कहाँ हैं? बकरे मैं क्यों छुपाऊंगी? बकरे तो तुम दोनों ने छुपाने थे ना। Come on यार, obviously प्लान तुम्हारा था बकरे चुराने का, तो जाहिर सी बात है तुमने छुपाए होंगे। अब बताओ यार कहाँ रखे? मैंने बकरे छुपाने का कब कहा था? मैंने तो सिर्फ आइडिया दिया था। बकरे कब छुपाने, कहाँ छुपाने, ये तो तुम दोनों को डिसाइड करना था ना। लेकिन हमने तो बकरे छुपाए ही नहीं। यार बकरे तुमने नहीं छुपाए, बकरे तुमने नहीं छुपाए, इसका मतलब है बकरे यार वाकई में चोरी हो गए। एक तो मुझे मच्छर काट रहे हैं, हर वक्त आटे मार के सोते रहते हो। जाओ जाके देखो कोई आया दरवाजे पे। अबे इस वक्त 2 बजे कौन आ गया है यार? जाओ जाके खुद ही देख लो, मुझे मत उठाना, बड़े चरपाइयां तोड़ते रहते। ये रात को 2 बजे कौन आ गया है? आज इसका इल्जाम भी तुम मुझ पर ही रख देना अमजद। हाँ, हो सकता है कि तुमने अपने घर में हमें परेशान करने के लिए कोई बेल का ऑटोमेटिक सिस्टम लगाया। डैड इस वक्त तो लड़ना बंद करें, हर वक्त लड़ते रहते हैं आप लोग। अब जाके देखूं कौन आया। हाँ हाँ देखो ना। रात गए आज। कौन है भाई? ओ भाई सीधा अंदर चले आ रहे हो, बात तो सुनो। चलो भाई फटाफट बुकिंग करा लो बकरे की, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। सबसे पहले मुझे बकरे की पूरी तफसील बताओ, बकरे की उम्र कितनी है, उसका वजन क्या है, दांत कितने हैं, कितने का लिया और कहां से लिया। अब जहां से भी लिया होगा उसको किसी गाड़ी में बिठा के यहाँ लाए होंगे, तो गाड़ी वाले को किराया कितना दिया और तुम लोगों की सबकी कुल मिला के तनख्वाह कितनी है, ये सारी तफसील मुझे बताओ, फिर कहीं जाके मैं अपनी डिमांड बताऊंगा। हाँ बे भाई तुम हो कौन और तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अबे भले मियां मुझे नहीं पहचाने, बाबू कसाई हूँ, बाबू कसाई। बुकिंग करा लो बकरे की, बकरा इस पे कसाई साथ चल रहा है बिल्कुल। अबे क्या घास खाकर आया है, इतनी रात को कौन बुकिंग कराने आता है? अजीब लोग हो तुम लोग तो यार। अबे आधी रात को एक तो तुम्हारी भलाई के लिए आया हूँ, तुम मुझ पर चढ़ाई कर रहे हो, भलाई का तो जमाना ही नहीं है कसम से। अबे वो भलाई के बच्चे, तेरी सारी नेकियां ये निकालता हूँ, एक तो नींद खराब कर दी और वैसे भी हमारे बकरे हमें मिल नहीं रहे, अब साथ निकाल बंदूक, निकाल निकाल, मेरा सबर छूटा जा रहा है। और तुम क्या खड़े देखो, जा अंदर और आई हुई बंदूक तुम पे चल जाएगी। बैठा साई, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम दरिया खान, अच्छा हुआ तुम आ गए, तुम्हारे वालिद की तदफीन हो गई? हाँ साई, आपने 50 करोड़ तो दिया था ना, बाकी हमने गांव से जमा करके ना उसकी तदफीन कर दिया है। साई ये मेरी बेटी है कायनात। साई अब गांव में तो अब्बू मर गया ना, उसके पास रहती थी, अब ये मेरे पास आके चंद दिन इधर रहेगी ना साई। ठीक है अब्बा, मैं शीशे से अपनी नस काट लूं? दरिया खान ये तुम्हारी बेटी क्या कह रही है? कुछ नहीं साई, अकेली रहती थी ना तो थोड़ा सा असर दिमाग में पड़ गया है। दरिया खान देख लो अपनी बेटी को, कहीं ये खुद को मार मूर ना ले। नहीं साई मैं समझा दूंगा। अब्बा मुझे बहुत प्यास लगी है, मट्टी का तेल मिलेगा? तो बाहर बैठो, मैं साई से कुछ बात करके आता हूँ। अगर मट्टी का तेल नहीं मिले तो ट्यूबलाइट के कीमे में सवैया और प्लेट मिला दें, मुझे बहुत भूख लगी है। दरिया खान अपनी बेटी को जाके देखो, कहीं उसकी जान चली गई तो मेरी जान मुसीबत में आ जाएगी। साई आप फिक्र ना करो, मैं उसको संभाल लूंगा। साई आपसे एक बड़ी बात करनी थी। हाँ बोलो क्या बात है? साई सुना है कि बकरे चोरी हो गए?
तुम्हें कैसे पता चला कि हमारे बकरे चोरी हो गए? साई, मैं इधर आ रहा था ना घर की तरफ, आपका भाई जो है ना साई, साजिद साई, साई वो बकरे बेचने की बात कर रहा था और निशानी भी बता रहा था, सुरमैया, ये बड़े बड़े सींग, ये छोटे छोटे कान, ये बता रहा था साई। तो खतरनाक आदमी है साई आपका भाई, मैं तो कहता हूँ साजिद साई को आरजू बीवी से बचा के रखो। इतने सालों से गलियों के गटर के ढक्कन नहीं है, मैं एक एक गटर पे ढक्कन लगवाऊंगा और पूरे इलाके में स्प्रे करवाऊंगा। एक और बात, हर घर में कुंडी की जगह इलेक्ट्रॉनिक ताले लगवाऊंगा और इलाके के हर घर में 24 घंटे पानी आएगा ताकि आप नहाते रहें। एक और बात, मैं इलाके के हर घर में स्प्लिट एसी लगवाऊंगा और उसका बिल अपनी जेब से दूंगा। अबे ओ ओ ओ ओ, क्या पब्लिक को बेवकूफ बना रहा है यार, हैं? सारी नींद तूने खराब कर दी। हेलो, उठा यहाँ से, उठा ये सब अपने टीन टप्पर। हमें खाल चाहिए खाल। मैं साईं अपनी खाल नहीं दूंगा। तेरी खाल की बात नहीं कर रहा है, इस घर के अंदर कोई जानवर मानवर नहीं आया कुर्बानी का। साईं है ना? किधर? इधर, चार दांत है, दो दांत है। मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा। मैं साई, मैं चाहता हूँ कि आप सारे मसले हल करें और आपस में दोनों भाई मिलकर रहें। नहीं, अब कभी नहीं। अरे कौन है? जी फरमाइए। अरे क्या फरमाइए, अमिया कोई दर्द देने आया? ये साई कपड़े क्या पहने आए तुमने? अरे तेरे को नजर नहीं आ रहा, ये देख, नीचे से हम पठान, सीने से माजेर और सर से सिंधी। अरे बलोच किधर है? अरे तेरे को आवाज से बलोच नहीं लग रहा है? तेरे को नजर नहीं आ रहा तब्दीली आ गई है? अरे इस घर में कोई जानवर बानवर नहीं आया कुर्बानी के लिए? तमीज से बात करो। क्यों, तुझ पे चादर चढ़ाई जाती है क्या? हमें खाल चाहिए खाल। मैं साईं अपनी खाल नहीं दूंगा। तेरी खाल की बात नहीं कर रहा है, इस घर के अंदर कोई जानवर बानवर नहीं आया कुर्बानी का? साई है ना? किधर? इधर, चार दांत है, दो दांत है। मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा। नहीं नहीं नहीं, अभी कोई जानवर नहीं आया। तुम लोग कुर्बानी उर्बानी नहीं करता? हाँ भाई, क्या मसला है? अरे अंकल, खाल हमें जाएगी यहाँ से, बस वरना लाश जाएगी। ऊपर से ऑर्डर आया है जबरदस्ती खाल मांगने वालों को पकड़वाने का, अब कोई भी जबरदस्ती खाल नहीं मांग सकता। अंकल तुम हमारे को जानता नहीं है चाचा। अबे तू है क्या पिद्दीना पिद्दी का शोरबा? भागो यहाँ से वरना बुलाऊंगा तुम्हारे बापों को। लाल बत्ती वाली गाड़ी में डोली जाएगी दोनों की। अभी तो हम अपना फोटो गुम कर रहा है, लेकिन ईद वाले दिन आएगा सुजुकी लेकर। नहीं 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 नहीं, सुजुकी लेकर नहीं, एम्बुलेंस लेके आना, दोनों की लाशें जाएंगी लाशें। अभी तो हम जा रहे हैं, ईद वाले दिन आएंगे काटन का सूट पहन के, जानवर भी लेके जाएंगे और जानवर की खाल भी लेके जाएंगे। भागो यहाँ से। अंकल ये नरे या मजा है? एक मिनट, भागो यहाँ से। ये होता है फर्क बहादुर सियासतदान और डरपोक सरकारी अफसर। ये चमक के कहाँ जा रहा? उसी फोन वाली के पास। अरे नहीं भाई, बैंक जा रहा हूँ अकाउंट चेक करने के लिए। बकरे मिले या नहीं? कहाँ मिले, पूरे मोहल्ले में तलाश कर लिया, पुलिस को भी रिपोर्ट करा ली, पता नहीं किसने चुरा लिए बकरे। अब दूसरे बकरे ले आओ, जन्नत में तो तुम आओगे नहीं, तो कुर्बानी जरूर करना। क्या पता जहन्नुम के आग के दो गोलों की जगह एक गोले से जलाए जाओ। मरने के बाद भी मेरे बारे में बुरा ही सोचना। वैसे तुम्हें शादी की क्या पड़ी है? साथ की शादी करो, तुम शादी से पहले भी थे, याद है ना? मुझे भी तुमने लव लेटर पत्थर में लपेट के फेंका था, जिससे मेरा सर फट गया था। इलाज भी तो मैंने करवाया था फिर। हाँ, कान खोल के सुन लो,
भले तुम दूसरी शादी करो पर मेरी तस्वीर यहाँ से नहीं हटनी चाहिए। पूरे घर में नजर रखूंगी और अगर मेरी तस्वीर यहाँ से हटी तो सोच लेना भूतनी बनके तुम्हें और तुम्हारी नई नवेली दुल्हन को सताऊंगी, ख्वाबों में आऊंगी। मैं भी आयतल कुर्सी पढ़ के सोऊंगा और मैं इतना जालिम भी नहीं हूँ। कितना मैं नेक हूँ तुम अच्छी तरह जानती हो। इस दौर में मर्द बीवी के डर से नेक होते हैं या हूरों के शौक में नेक होते हैं। चलो मेरा कमरा खाली करो, दबाओ यहाँ से। जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। वैसे मेकअप तो कमाल का किया है आपने, बस जरा ग्लिटर लगा लेती हूँ तो उधम लगती है। क्या एबीबी, वैसे तुम्हारे ऊपर ये हेयर स्टाइल बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा। कहो तो मैं चोटी बना दूँ। वैसे तुम्हारे जैसा ड्रेस मेरे पास भी है। हाय अल्लाह, जब मैं पहनकर बाहर निकलती हूँ ना तो लड़कों पर बिजलियाँ गिर जाती हैं। मैं अभी चेंज कर कर आती हूँ। अब कोई कहीं नहीं जाएगा, सब यहीं रहेंगे। आप यहाँ बकरों की तफ्तीश करने आए या फैशन करने? वो क्या है ना कि मुझे ज्वेलरी, मेकअप और नए नए कपड़ों का बहुत शौक है। तो आप ऐसा कीजिए कि जमजमा में दुकान खोल। बस इंस्पेक्टर साहब, आप लोगों की पुलिस में भर्ती कब से होने लगी? अभी तो तुम देखते जाओ कि हम लोग कहाँ कहाँ भर्ती होंगे। हमारे सीने तो सरहदों पर दुश्मनों की तोपों के लिए भी हैं। ये नया पाकिस्तान, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। वैसे आप हमें ये बताएं कि दोनों बकरियाँ यहाँ बंधी हैं? इंस्पेक्टर साहब, बकरियाँ नहीं, बकरे। क्या बकरे? मगर हमें तो बकरियों के गुमशुदगी की इत्तला मिली थी। आपको गलत इत्तला मिली थी, दो बकरियाँ नहीं थी, बकरे थे, बकरे, वो भी इनके जरूर। अरे ये क्या, ये क्या कह रहे हैं आप? पुलिस को गलत कह रहे हैं? देखे, पहले आप सीधी तरह खड़े तो हो जाए, ये क्या हिल रहे हैं बार बार? जिस काम के लिए आए ना वो करे तफ्तीश, तफ्तीश। उफल्ला, इतने कड़क, आपको पता भी है कानून से बात कर रहे हैं आप? पुलिस वाली बाजी, मेरा मतलब है कि भाई आप तफ्तीश करो ना, मेरे को तो इन पे बहुत शक है। एक्सक्यूज मी, आपकी तारीफ ठंडी स्त्री की शक्ल वाले। वो एक्चुअली ये हमारे घर के नौकर है। लगता है बड़ी चर्बी चढ़ी है तुम। साईं को चर्बी में वफा होती है, और एक दफा जिस पे चढ़ जाए ना फिर उतरती नहीं है। एक मिनट में अंदर कर दूंगी, मेरा मतलब है कि अंदर कर दूंगा। अबू धाबी कहाँ है ये बता। अबू धाबी मेरी माँ जिधर दबी है उससे थोड़े फासले पे अबू धाबी है। देखे, फजूल बहस करके आप सीन को ड्रैग ना करें, आप हमारे बकरे ढूंढने में हमारी मदद करें। 2.5 लाख के बकरे थे, 2.5 लाख के। अरे क्या कह रहे हैं आप, 2.5 लाख के बकरे? तो भाई यहाँ भार बांधने की क्या जरूरत थी, बैंक में जमा करवा देते। आप एक काम करें, हमें घर की सीसीटीवी फुटेज चाहिए। देखिए, आपको जो भी चाहिए होगा सब मिल जाएगा। अच्छा, जो भी? अब मेरा मतलब है मदद। वैसे इंस्पेक्टर साहब, आपको इतनी सारी चीजों की जरूरत क्यों है? ओ अच्छा, तो अब तुम हमें बताओगे कि हमारे लिए क्या जरूरी है? वैसे आप पहले से मीठे थे या फिर आपका शुगर लेवल अप डाउन होता रहता है? बस बहुत हो गया, अब किसी किस्म का कोई मजाक नए पाकिस्तान में नहीं होगा, वरना सबको अंदर कर दूंगी। मेरा मतलब है कि अंदर कर दूंगा। बस अब हम जा रहे हैं, हमें सीसीटीवी फुटेज जल्दी भिजवा दीजिएगा। ना ये हरकत करते ना ऐसा होता। चलो आओ, तुम आओ मेरे साथ, चलो। ये यहाँ तक आ गई और तुम इसे घर भी ले आए? नहीं नहीं नहीं, मैं इसे नहीं लाया, तुम यहाँ। आप कौन?
अच्छा अब मैं कौन हो गया? कल तक शॉपिंग करवा रहा था तो तुम्हारा जानू था। अरे मैं सच कहूं तो ये कलर तुम पे बहुत ही सूट करता है। आपकी हुस्न नजर है, वरना बंदी किस काम की। अच्छा बताओ कि पिज्जा खाओगी? हाँ क्यों नहीं, मगर एक शर्त है कि तुम मुझे अपने हाथ से खिलाओगी और मैं तुम्हें अपने हाथ से खिलाऊंगा। बच्चों जैसी बातें करते हैं आप भी, लेकिन एक बात है कि आपने ग्रेस में तो बच्चन को भी पीछे छोड़ दिया है। अरे मेरा तो जी चाहता है कि तुम पे अपना सब कुछ लुटा। मेरा तो उससे भी दिल नहीं भरेगा। अब ये इस वक्त किसकी कॉल आएगी? नहीं नहीं भाई की कॉल है, छोड़ दो। अरे देखो भाई की कॉल को इग्नोर नहीं करते, आखिर मेरा होने वाला साला है। हाँ हेलो जी भाई। जी जी भाई, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। भाई क्या कह रही हो तुम? वो मैं अबू के साथ हूँ, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। अबू के साथ हूँ। ये क्या कह जा रही हो? मैं भी आ रहा हूँ। नहीं नहीं मैं अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। अरे अरे तुमने भाई से झूठ बोला कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है? अगर भाई को पता चल गया तो? वो लाहौर में है, वो लाहौर में है। नहीं वो लाहौर में है। हाँ मगर महरीन एक ना एक दिन तो सबको हमारी मोहब्बत के बारे में बताना होगा तुमको। कौन सी मोहब्बत? मतलब हाँ बता दूंगी, जल्दी बता दूंगी। आप कुछ ऑर्डर कीजिए ना। करता हूँ। अच्छा सुनो, मैं कल तुम्हें अपने बेटे से मिलवाने ले जाऊंगा, ठीक है? हाँ हाँ मिलवा दीजिएगा आप, प्लीज ऑर्डर कर दीजिए। महरीन तुम्हारे घर वाले मान तो जाएंगे ना। मुझे आप जैसा लड़का कहाँ मिलेगा। आप प्लीज पिज्जा मंगा दीजिए ना। एक मिनट आप एक्सक्यूज मी प्लीज, एक काम करो के नहीं सके नो प्रॉब्लम, लार्ज चलेगा या मीडियम? या हाँ मीडियम कर दें, दो जो है पैक करवा दें। ओके नो प्रॉब्लम, भाई एक यहाँ दे दें और दो पैक कर लीजिएगा। ओके जल्दी से प्लीज, हमें जल्दी है। साहब ये क्या हो रहा है? डैड कुछ नहीं, मैं तो फूल लगा के दिखा रहा था कि कैसा लग रहा है। हाँ ऐसा कैसा फूल है कि तुम आरजू के बालों में लगा कर ही देखते हो? जबी मैं कहूँ कि आजकल दान से फूल कम क्यों हो रहे हैं? अरे डैड सारी बातें छोड़े, आपको पता है दरिया खान को पुलिस उठा के ले गई है। मगर क्यों? डैड बकरों की तफ्तीश के लिए। अरे उसे क्यों पकड़ा, वो ऐसा नहीं कर सकता। और उसकी बेटी कायनात? अरे डैड उसी को छोड़ के आया था, इतनी देर में पुलिस आई और उसे उठा के ले गई। यार ये बैठी हुई है, तुम बात करोगी या मैं जाके? नहीं नहीं मैं नहीं, मैं सर तुम रुको मैं जाता हूँ ना। चाची आप ही कुछ करें ना, वरना ये दोनों तो हमारी शादी नहीं होने देंगे। क्या सा तुम अपनी शादी की पड़ी रहती है, तुम्हें पता है ये अमजद भाई और साजिद अपनी शादी के चक्कर में पड़े हुए हैं। क्या? हाँ भाई तुम्हें पता है मैंने खुद कितनी बार देखा है दोनों को फोन पे, पता नहीं किसके साथ लगे रहते हैं। साथ साथ आओ देखो तुम्हारी नई मम्मी लेकर आया हूँ। ओह हाय कैसी है? ठीक हूँ बेटा, लेकिन तुम्हें तो बेटा कहने को भी दिल नहीं चाह रहा। कैसी लगी नई मम्मी? डैड बहुत बहुत अच्छी। अरे भाई अगले हफ्ते हम दोनों निकाह करने वाले हैं। आओ ये यहाँ तक आ गई और तुम इसे घर भी ले आए? नहीं 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 मैं इसे नहीं लाया, तुम यहाँ? आप कौन? अच्छा अब मैं कौन हो गया? कल तक शॉपिंग करवा रहा था तो तुम्हारा जानू था। साजिद कमीज से बात हो रही, तुम्हारी होने वाली भाभी है। अबे भाई आज तू एक बात मुझे क्लियरली बता दे,
मैं तुझसे बड़ा हूँ कि तू मुझसे बड़ा है? अरे 10 मिनट का वर्क है बस, तुम 10 मिनट लेट आए हो हमेशा की तरह। अच्छा कल तक तो ये साजिद के साथ घूम रही थी, साजिद फिट भी चुके हैं मुझसे इस चुड़ैल की वजह से। मेरी रिश्वत की सारी कमाई डकार गई, हजारों रुपए के खाने खा गई, 70,000 रुपए का मोबाइल दिलवाया तुझे, लाखों रुपए की शॉपिंग करवाई और शादी शादी इस बुड्ढे से कर रही है। हे बुड्ढा होगा तेरा, वाह मेरा मतलब है कि बुड्ढा किसको का? नहीं ये सब क्या हो रहा है, ये मेरा छोटा भाई है, अगर ये बात सच हुई ना तो तुम दोनों को गोली मार दूंगा। बंस रोड से आइसक्रीम तुम्हें मैंने खिलाई, हाँ ब्रांडेड कपड़े ब्रांडेड पर्स ब्रांडेड जूते मैंने तुमको दिलवाए, अब कह दो कि ये सब झूठा है, कह दो कह दो कह दो। वो आपके कितने भाई हैं? मतलब अब तक तुमने कितनों को लूटा है? मगर सर जी बकरे फरार होने में घनौनी कार्रवाई क्या है? बालिगा फ्री होकर अपने दिमाग का पासवर्ड देना, अकल इंस्टॉल करनी। ठीक कहा आपने, दिमाग तो गधे के पास भी होता है लेकिन अकल नहीं होती। अब इंस्पेक्टर साहब दरिया खान ऐसा नहीं कर सकता, वो हमारा पुराना मुलाजिम है, वो अब्बा की उतरन पैदा करता था। अब दरिया खान। अच्छा अच्छा ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, अभी CID की तरह ऐसे इनके शफात करूंगा कि आप लोगों के हवासों के तोते उड़ जाएंगे। वैसे तो हम किसी को भी नहीं मारते लेकिन जब मैंने अपने दुपट्टे से दरिया खान को मारा तो उसने बताया कि वो आप दोनों भाइयों में बहुत अरसे से फूट डलवाने की कोशिश कर रहा था ताकि ये घर अमजद के नाम पर हो जाए और वो अपना पूरा खानदान लेकर यहाँ आ जाए। देखा डैड, मैं आपको कह रहा था ना आपके चाचा बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, तो दरिया खान है जो आपको इतने दिनों से एक दूसरे के खिलाफ कर रहा था। क्यों? अच्छा उसी आंच पर बिरयानी तो तुम दोनों ने भी पका ली। बकरे तो मैं नहीं ला सका, हाँ अलबत्ता ये रकम आपकी लेकर आया हूँ, आपकी अमानत। बात सुनो, तुम्हारा ड्रेस तो बहुत अच्छा लग रहा है, कहाँ से लिया? इंस्पेक्टर साहब ये ले। अरे ये क्या कर रहे हैं आप, मैं आपको रिश्वत देने के इल्जाम में बंद कर दूंगा। ये रिश्वत नहीं है, आपकी ईमानदारी का इनाम है। अच्छा अच्छा चलो इनाम जी, शुक्रिया। चल जल्दी चल। मैं सोच भी नहीं सकता था कि अमजद मुझ पे चोरी का इल्जाम भी लगवा सकता है। बस बस ये मीना कुमारी वाली एक्टिंग बंद करो, वैसे भी कल ईद है, अब ये दोनों एक दूसरों के साथ देखते रहोगे या उसकी गले भी मिलोगे। अमजद डैड डैड सीन ड्रैग हो रहा है, बैठ जाएं आप प्लीज, बैठ जाएं बैठ जाएं। अच्छा छोड़ दो अपनी फिक्रें और बच्चों की सोचो। हाँ भाभी आप एक काम करें, कोई अच्छी सी तारीख देख के तय कर ले बस। ये शादी नहीं हो सकती। अम्मा रुन्निसा पप्पो अमजद तुमने तो बोला था साथ की शादी मेरी नाजिश से होगी। अरे मैंने कब जबान दे दी डैड? अरे तुमने ही तो बोला था नाजिश की डोली इस घर से उठेगी। हाँ तो इसका मेरे बेटे की शादी से क्या ताल्लुक है? अच्छा मैंने वही रोला पाया हुआ था। अरे भी नाजिश के लिए तो मैंने बहुत अच्छा रिश्ता देखा है, मेरी बहन का बेटा है आमिर। अरे तुम लोग कितना ख्याल रखते हो ना मेरी बच्ची का। ओके अब चले इस खुशी के मौके पे एक फैमिली फोटो हो जाए। खड़े हो खड़े हो यार, छोड़ो लाओ मैं ले लेती हूँ।